नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं द लेजी रीडर पॉडकास्ट और हम चर्चा कर रहे हैं पंकज किशोर जी के द्वारा लिखी गई किताब भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और इस 15वें अध्याय में हम लोग जानेंगे कि डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध धर्म ही क्यों अपनाया। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरुआत करते हैं और जानते हैं। लोगों में बहुत उत्सुकता है ये जानने की कि अंबेडकर ने हिंदू धर्म क्यों छोड़ा। अंबेडकर, जिनका जन्म एक अछूत परिवार में हुआ था, उन्होंने अपना सारा जीवन अस्पृश्यता निवारण की लड़ाई में लगा दिया। अपने जीवन के आखिरी दिनों में उन्होंने हिंदू धर्म को त्याग दिया और बौद्ध धर्म को अपनाया। उनके इस निर्णय के पीछे क्या कारण थे, इस निर्णय के बारे में हमें उनकी पुस्तक बुद्ध और उनका धर्म पढ़कर बहुत कुछ पता चलता है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, फिलॉसफी ऑफ हिंदुज्म, रिडल्स इन हिंदुज्म वगैरह भी पढ़कर तथा उनके लेख, भाषण तथा साक्षात्कार जो उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाने से पहले तथा बाद में दिए, इस विषय पर प्रकाश डालते हैं। डॉक्टर अंबेडकर का विश्वास था कि अछूतों को कमजोर तथा निकृष्ट माना जाता है सिर्फ इसलिए क्योंकि वे हिंदू समाज का एक हिस्सा हैं। जब अछूतों को समानता का हक दिलवाने और आम इंसान के अधिकार दिलवाने में जब डॉक्टर अंबेडकर विफल हो गए तो उन्होंने सोचा कि अब किसी और धर्म को अपनाना आवश्यक हो गया है, ऐसा धर्म जो अछूतों को समानता का महत्व और समानता का हक दे, उनसे उचित व्यवहार करे। उन्होंने अपने समर्थकों से आग्रह किया, उसी धर्म को चुनिए जो आपको समान महत्व, समान अवसर दे और समानता का व्यवहार करे। विभिन्न धर्मों के बारे में सोचकर डॉक्टर अंबेडकर इस नतीजे पर पहुंचे कि बौद्ध धर्म ही उनके दृष्टिकोण पर सही उतरता है। वर्ष 1950 में महाबोधि सोसाइटी के जर्नल में छपे अपने लेख बुद्ध और उनके धर्म का भविष्य में उन्होंने अपने विचार धर्म और बौद्ध धर्म पर संक्षिप्त रूप में इस प्रकार लिखे। नंबर 1, समाज जोड़े रखने के लिए या तो कानून का अनुमोदन होना चाहिए या नैतिकता का, इनके बिना समाज यकीनन टुकड़े टुकड़े होकर बिखर जाएगा। नंबर 2, धर्म को बचाए रखने के लिए उसमें तर्क का सामंजस्य लाना होगा, दूसरे शब्दों में इसे ही विज्ञान कहते हैं। किसी भी धर्म के लिए केवल यही आवश्यक नहीं है कि उसकी एक आचार संहिता हो, पर उसकी आचार संहिता मूलभूत सिद्धांत स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे पर आधारित हो, यह भी आवश्यक है। नंबर 4, किसी भी धर्म को गरीबी का हथियार बनाकर अपनी पवित्रता नहीं बनाए रखनी चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर को यह विश्वास था कि बौद्ध धर्म ही इन आवश्यकताओं को पूरा करता है, अतः सभी धर्मों में यही धर्म विश्व के लिए सही है। उन्हें लगा कि बौद्ध धर्म को प्रचारित करने के लिए एक धर्म ग्रंथ की आवश्यकता है, अतः इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने बुद्ध और उनका धर्म नामक पुस्तक लिखी। इसी लेख में डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू धर्म की बुराइयों को गिनकर बताया। नंबर 1, नैतिक स्वतंत्रता से वंचित है। नंबर 2, इसमें महत्व अनुरूपता के आदेश का है। नंबर 3, कानून अनुचित है क्योंकि ये एक के लिए अलग और दूसरे के लिए अलग है। इसके अलावा संहिता ही अंतिम मानी जाती है। डॉक्टर अंबेडकर का विश्वास था जिसे हिंदुओं द्वारा धर्म कहा जाता है वह सिर्फ आदेशों और निषेधों का ढेर है। इसी वर्ष दिल्ली में बुद्ध जयंती के अवसर पर डॉक्टर अंबेडकर ने अपने भाषण में हिंदू देवी देवताओं की आलोचना की और बौद्ध धर्म की प्रशंसा की। उनका मानना था कि यह धर्म नैतिक सिद्धांतों पर आधारित है। उन्होंने यह भी कहा कि धर्मों के प्रवर्तकों की तरह स्वयं को ईश्वर का दूत मानने की जगह बुद्ध स्वयं को सिर्फ परामर्शदाता कहते हैं और उन्होंने धर्म को एक क्रांतिकारी अर्थ दिया है। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार हिंदू धर्म असमानता को दर्शाता है और बौद्ध धर्म समानता को। मई 1956 में
डॉक्टर अंबेडकर ने व्याख्यान दिया जिसका शीर्षक था मुझे बौद्ध धर्म क्यों पसंद है और यह मौजूदा हालात में विश्व के लिए क्यों लाभकारी है। यह व्याख्यान उन्होंने लंदन में ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन में दिया था। उन्होंने कहा था मैं बौद्ध धर्म को इन तीन सिद्धांतों की वजह से प्राथमिकता देता हूँ। बौद्ध धर्म हमें प्रजन, अंधविश्वास और अलौकिकता के विरुद्ध समझ, करुणा यानी कि प्रेम और समता यानी कि समानता सिखाता है। यही सब अच्छे व्यक्ति और खुशहाल जीवन के लिए चाहते हैं। ईश्वर और आत्मा समाज को बचा नहीं सकते। 24 मई 1956 के भाषण में उन्होंने बौद्ध धर्मांतरण के बारे में उसे अपनाने के विषय में कहा था हिंदू धर्म ईश्वर में विश्वास करता है, बौद्ध धर्म में कोई ईश्वर ही नहीं है। हिंदू आत्मा में विश्वास करते हैं पर बौद्ध धर्म के अनुसार आत्मा नहीं होती है। हिंदू चतुर्वर्ण में जातिवाद में विश्वास करते हैं, बौद्ध धर्म में जातिवाद और चतुर्वर्ण का कोई स्थान ही नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर बौद्ध धर्म को हिंदू धर्म से अधिक विवेकपूर्ण मानते थे। उनका मुख्य विरोध हिंदू धर्म से यह था कि वह असमानता और अस्पृश्यता को सही मानता है, उसके चारों वर्ण इसका प्रमाण है। दूसरी तरफ बौद्ध धर्म मूलतः चतुर्वर्ण का विरोध करता है और समानता का समर्थन करता है। उनके अनुसार प्रजन और समता व करुणा अकेले ही बौद्ध धर्म की मुख्य शिक्षा देते हैं कि अच्छे और खुशहाल जीवन के लिए इतना ही आवश्यक है। अंततः डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध धर्म अपना लिया। उनकी पुस्तक बुद्ध और उनका धर्म में उनकी अपनी समझ और अपने तर्क बौद्ध धर्म के बारे में हैं। इस पुस्तक में उन्होंने बौद्ध धर्मांतरण के कारण भी दिए हैं। यहाँ उन्होंने बौद्ध धर्म के लिए बुद्धिसंगत तर्क दिए हैं। उनको ईश्वर तथा आत्मा में विश्वास नहीं था। यह निष्कर्ष हम उन कारणों से निकाल सकते हैं जो उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाने के लिए दिए। इस पुस्तक में उन्होंने निष्कर्ष दिया है कि बौद्ध धर्म में ईश्वर और आत्मा का कोई स्थान नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार बुद्ध पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते थे और न ही कर्म व मोक्ष में, जैसा कि परंपरागत रूप से माना जाता है। बुद्ध ने वर्ण व्यवस्था को अस्वीकार किया था। जिन विद्वानों ने बौद्ध धर्म का अध्ययन किया है उनका भी मानना है कि बुद्ध ईश्वर और आत्मा को नहीं मानते थे और उन्होंने वर्ण व्यवस्था को अस्वीकार किया था। बुद्ध पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते थे और निर्वाण के पक्षधर थे। डॉक्टर अंबेडकर की व्याख्या बौद्ध धर्म के बारे में यहाँ रूढ़िगत दृष्टिकोण से भिन्न हो जाती है। यह कहना संभव नहीं है कि वह अपनी इस व्याख्या या निष्कर्ष तक कैसे पहुँचे। जब वर्ष 1956 में डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया तो लाखों लोगों ने भी इस धर्म को उनके साथ अपनाया था। उन्होंने उन देवताओं की पूजा बंद कर दी थी जिनकी पूजा वे सदियों से करते आ रहे थे। उन्होंने भी बौद्ध धर्म को अपनाया जैसा डॉक्टर अंबेडकर ने किया। कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने डॉक्टर अंबेडकर को धर्मांतरण जैसे विश्वासघात के लिए क्षमा नहीं किया। धर्म परिवर्तन से पहले के हिंदू अछूतों ने माना कि डॉक्टर अंबेडकर ने उनको उनका आत्म सम्मान दिलाया, जिस आत्म सम्मान की उन्हें हिंदू धर्म से उम्मीद नहीं थी। तो दोस्तों ये अध्याय यहीं तक। अब अगले यानी कि 16वें अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे कि डॉक्टर अंबेडकर के बाद भारत में दलित राजनीति की क्या दशा रही। हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।